हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ड्राई कोकोनट से चटनी बनाएंगे। ये बहुत इजी है। जब घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह बना सकते हो। इसलिए ड्राई कोकोनट चाहिए हमको। इसको छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। एंड इसके लिए ड्राई रेड चिल्ली चाहिए। 10 to 20 रेड चिल्ली लेंगे। एंड टैमरिन लेंगे, लेमन साइज़ का टैमरिन आप ले लेना तो इस चटनी में बर हो जाएगा। एंड हम ड्राई रेड चिल्ली को ऑयल में फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको थोड़ा क्रिस्प एंड लाल होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। लो फ्लेम में ही रेड चिल्ली को फ्राई कर लेना, अदरवाइज वो जल जाएंगे। अब हम इसमें कोकोनट है जो नारियल, उसको हम इसी तेल में फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन कलर आने तक। इसको फ्राई करेंगे और इसको भी जलाने मत देना क्योंकि चटनी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब इसको भी हम मिक्सचर में ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ड्राई रेड चिल्ली एंड कोकोनट, इसके साथ हम 4 लहसुन ऐड करेंगे, गार्लिक, एंड इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं टैमरिन को सोक करी थी पानी में 10 to 15 मिनट्स। सोक करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अब इसको हम फाइनली पेस्ट कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हो। देखिए ये अच्छे से फाइन से पेस्ट हो गया। अब एक बार इसको टेस्ट करना, आपको सॉल्ट एंड टैमरिन ठीक से है कि या नहीं। मेरा उसमें तो थोड़ा सा सॉल्ट कम हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। एंड इसमें हम ऑनियंस ऐड करेंगे। एक ऑनियन को रफली चॉप करके ऐड करके 1 time इसको पल्स में रख के मिक्स को फिराएंगे। ज़्यादा नहीं फिराना चाहिए क्योंकि ये पेस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करी थी। अब हम इसको एक बार ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारे ऑनियंस तो पेस्ट नहीं हुए, ऐसे रफली ही मिक्स हो गए थे। अब इसको आप गरम गरम खाने में घी के साथ खा सकते हो। ये चटनी बहुत टेस्टी रहेगा एंड ये 2 दिन तक आप स्टोर करके खा सकते हो फ्रिज में। ये बनाना बहुत एंड बहुत इजी एंड आसान है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।